चुआ और भी ला ला के दिया मोबाइल में जरूर होता उसको कॉलेज जाने नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एंड एक शानदार ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत में सुबह 5 बजे से होगी, लेकिन अभी बज रहा है दोपहर का 11:30। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने खूबसूरत रूम से। मौसम का हाल बोले तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। धूप लगी है, चमचमाती धूप लगी है आज भी, लेकिन मौसम आज ठंडा है क्योंकि कल इधर बारिश आई रात को। दिन भर तो बादल लगे थे, रात को बारिश आई। आज मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है। मेरा अभी नाश्ता नुश्ता करके हो गया, अभी बाहर गई थी। बाहर भी क्या गई थी, लड़के को छोड़ने गई थी स्टेशन, क्योंकि आज बोलता गया कि 2 लेक्चर है तो उसका लेट था कॉलेज, तो उसको छोड़ने गई थी मैं स्टेशन तक। वहाँ से आई तो फुटपाथ कर गई, उधर से सामान लेकर यूँ जस्ट आ रही हूँ। अब दिन की शुरुआत हो रही है मेरी, अभी मैं जाएगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का लंच बनाना मैंने मेरे को, उसके बाद जाना मेरे को फिर लड़की को छोड़ने। लड़की का आ जाए हाफ डे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आज से शुरू हो जाएगा, ओरल एग्ज़ाम। उसका एग्ज़ाम है 3 से 5:30, सुबह 10:30 वालों का एग्ज़ाम है, इसलिए इनको शाम को रखा है इनका स्कूल। तो मिलते हैं हम किचन में। दोपहर का 12:30 हो गया, मैं आ गई अपने प्यारे से किचन में और बनाती हूँ दोपहर का लंच, क्योंकि अभी खुशी को स्कूल जाना, क्योंकि इसका है 3 बजे का स्कूल एग्ज़ाम है इनका, ओरल एग्ज़ाम है, तब तक खाना बनना चाहिए। तो हम बनाते खाना, बने रहे आप हमारे साथ। अभी तो इतने बर्तन प्रवेश नहीं धोए, तू इधर आ, इतने सारे बर्तन धोए आज पर। इतने प्रवेश नहीं धोए बर्तन, हाँ देखो बोल भी रही है, चीटिंग कर रही है। अब मैं बनाते खाने में, तोर की दाल बनाएगी, तोरी की भाजी बनाएगी, भात बनाएगी, बस तोर की दाल बना रही हूँ। आज बहुत कम बनाते हैं हम तोर की दाल, आज तोर की दाल बनाती हूँ। थोड़ा सा देखिए, जब तक चावल साफ करती हूँ तब तक भात रख दिए, दाल रख देती हूँ, दाल गल जाएगी तब तक। गैस पे बात सारे ऐसे लगता है कि आज गैस खत्म होगा, खत्म होने वाला है गैस, पता नहीं कभी होता है। बात तो आज ब्लूटूथ ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है। तो बच्चों को बोलो कि थोड़ा ये कनेक्ट अगर कहते हैं वो तड़ी मार दाल में साफ मसाला डाल देती हूँ, जैसे तोड़ के डाल रहती तो साफ मसाला डाल देती हूँ, और आज में तड़का मारेगी घी का, घी अजवाइन और राई का। आप क्या बोल रही हो, सुबह को नाश्ते में मैंने कोदे की रोटी खाई, कोदे बदला नाचने की रोटी खाई, हमारा नाश्ता जल्दी हो गया था 9 बजे तक के लिए, तो भूख लगी हुई थी। थोड़ा भाजी बची है, मैंने मिला थोड़ा भाजी खा लेती हूँ, कम से कम खा लेती थी, अभी तक तो भाग भी नहीं।
खुशी को भी लगे वन भूख, तो उसके लिए भी बोलती कि दो ब्रेड गर्म कर दे। एक तो चूल्हे तीन गैस, गैस का चूल्हा तीन चूल्हे वाला है गैस, एक दो तीन, इतना लंबा हाथ चलना पड़ता है। कर रही है, थोड़ा काम सीखना चाहिए ना। आज चावल साफ कर रही है मेरी गुड़िया, इसमें डालेगी मैं भाजी। सैंडविच बनाओ। नहीं भाजी मटर सैंडविच बना, भाजी मटर तो बना खाते हैं। भाजी बनाई बहुत टाइम से, मैंने कम से कम 7-8 महीने हो गए हुए तोरी की भाजी नहीं खाई। तोरी मतलब गुदड़ी, हमारी भाषा, हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं गुदड़ी की तोरी, उसको हम गांव में घी गुदड़ी बोलते हैं। नहीं तोरी बोलते हैं। अरे तोरी बोल रही तू, तोरी से नहीं वाली। हाँ आयम तोरी की भाजी बनाएंगे, आप खुशी को कल आएंगे। लौकी उसको गुदड़ी मालूम नहीं है। घर बन गए तभी ये तो पता नहीं लग रहा हूँ तोरी की तरह। मम्मी तोरी मतलब गुदड़ी, तो बहुत अच्छी लगी बुजुर्गी, मैं सब कुछ कर पहले खुद को और मैंने बोलना चाहूँगा खेतों में। अभी लड़की ने चावल साफ कर दिए तो देखती हूँ कैसे किया है साफ, वो मेरे को करना। वैसे सब चावल तो साफ ही है लेकिन फिर भी बोलते ना काम सीखा हुआ काम आता है, कभी ना कभी तो काम आएगा सीखा हुआ काम। बच्चों को बोलते सुनते ही नहीं। मीठा खाना कम कर लेना या कम कर लेना, बेटा मैं आप हो जाएगा। एक बच्चे सुनते नहीं ना, गुस्सा आ जाता है। मैं सबकी बात सुनती हूँ, बस बात भी रख लिया मैंने, दाल भी रख लिया, दूध गर्म। अब भेज जाएगा ना, वैसे खर्चे लगा मेरे को बुखार आ गया, बॉडी दर्द कर रही थी इधर से पूरे नीचे दर्द हो गया। सैंडविच बना दिया दोस्तों, आप भी ऐसे सैंडविच बनाते हैं। अंदर मैंने भाजी भरी है, टोस्ट किया है, ऐसे तो सैंडविच होते हैं। 5 मिनट और रखते हैं, हाथ में भी दो सीटी मारी है, दो और मनाती हूँ। दाल में हो गई, मेरी दाल गोल हो गई, मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। इसमें यानी कि दाल में तड़का लगा रही हूँ। बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, मेरे को स्कूल में जाना है। एक तो मेरे को क्या मालूम दोपहर के बाद इतना बुखार आ रहा है, क्या मालूम क्यों आ रहा है। ये खांसी हो रही बहुत ज़्यादा, ये खांसी की वजह से हो रही है। जैसे खांसी हो रही है ना, जैसे नस में नस चढ़ती है, जैसे मेरे गले में इधर नस चढ़ रही है, अकड़ रही गर्दन ऐसी खांसी से। क्या मालूम मेरे को यह लग रहा है कि खांसी से ही दुख रहा है, ऊपर कमर से चीज़ें नीचे पर सब बहुत ज़्यादा बुखार आए, खांसी आई। स्कूल को जाना है, काम तो करना ही है। हाँ से बोलना, ये प्रेशर बार बार सीटी मार रहा है। लड़के को मैंने बोला थोड़ा बर्तन धो दे, नाश्ते का बर्तन धोया है, लेकिन दो पतीली इधर छोड़ी, प्लेट है इधर छोड़ी, जो सिंक मेरा उसने वही बर्तन धोए। ये है कि कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे छोटे हैं, काम सीख रहे, अभी हम डांटेंगे तो करेंगे नहीं काम, इसलिए अच्छा किया जिससे वो कल से भी करे काम। आज सुबह सुबह मेरा मॉप टूट गया है,
पोछा मारती मार रही थी मैं, पोछा मारते मारते मुँह टूट गया। आगे में से जिंदा देखो अभी गई थी बाहर लेने दे रहे थे, वो था 1500 का, 1500 का हम मौके लेने आए थे, बड़े में आज अच्छा मार मैंने देखेगी अभी बीमार जाएगी। बीमार या दुकान में पूछा मैं तो 1500 रुपया बोला, तो बीमार जाएगी शाम को जाएगी कल जाएगी, बीमार से मौत लेके आएगी, क्योंकि एक रूम रहता दो रूम मिलते तो हाथ से मारे कमर पूरी दुख रही पैर दुख रहे हैं, किसको बोलूँ मैं झाड़ू पोछा मार, इसलिए मौत लेगी तो थोड़ा मेरे को थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो डाल मैंने पहले ही मसाला था, कम से कम आज 3 से 4 महीने में बना रही हूँ। तोर की दाल मतलब अरहर की दाल, मुंबई की भाषा में तोर की दाल बोलते हैं इसको, अरहर की दाल को तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे यार। मिल गई है तो इधर पीछे रखेगी नहीं तो हाथ ही लगेगा, और दाल भी बन गई मेरी, और बाहर ही बन गया। पूरी की भाजी बनाई है, दाल बनाई है और भात बन गया है, ये सुबह की भाजी है वो खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रात को। ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है, अभी जो दाल बॉईल की जिसमें जिसमें भाजी थी वो वाला परात है, पतीलियाँ हैं, गिलास है, जो बच्चे ने नहीं धोए थे वो बर्तनों को धोती हूँ, क्योंकि खाना अभी बर्तन धोती हूँ फटाफट, उसके बाद खाना खाती हूँ। फटाफट हम लोग ना भाजी बनाई थी, भाजी को मैंने उसको थोड़े मैं पलटी कर दिया, और जो बॉयल कर दी दाल सब पैसा पैसा पतीलियाँ दूसरी पतीली चाय पतीलियाँ, ये लड़का लेट आया स्कूल से उसका एग्ज़ाम ना तो वर्षा रहा, तो उसके लिए फिर से नाश्ता बनाया तो उसके बर्तन सभी इधर पड़े, आधा लड़के को बोला था तो धो दे बर्तन, मैं आधा ही बर्तन धोया बाकी के ऐसे छोड़े हैं, जब तक खाना थोड़ा ठंडा होता तब तक बर्तन धोती हूँ, क्योंकि खाना बन गया है तो खाना खाने के बाद मुझे सीधा स्कूल जाना लड़की को छोड़ने के लड़की का भी पेपर है यहाँ से, उसका है 3 से 5:30 ढाई बजे हम यहाँ से स्कूल जाएंगे, तो मैंने बोला जैसा थोड़ा सा ठंडा होता है अभी नहीं खाना था हमको नीचे चूल्हे से, तो जब तक ठंडा ठंडा होता है तब तक मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। आज पानी जल्दी चला रहे हैं, नहीं तो 1.5 बजे तक पानी आता है, आज पानी जल्दी चला रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने ड्रम रखा ही रहा, ड्रम से धोती हूँ मैं पानी। नहीं तो 1.5 बजे तक आता था पानी, अभी चला गया जल्दी, कुछ कोई बात नहीं, जब इधर ड्रम रखा है हमने तो करके लिए दिन भर के लिए ड्रम रखा है, फिर शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक पानी आता है।
बनाया मैंने ये तोरी की भाजी है यानी कि गोदड़े की भुजी, गोदड़ी बोलते हैं ना हमारी भाषा में, भात और दाल और बस रोटी भी है। ये खाना वाना खाते हैं अब परवेश तो ये सो गया, खा के हो गया मेरा, अब जाते हैं हम स्कूल। टाइम कितना पौने दो हो रहा है, 2:30 बजे तक स्कूल निकलते हैं। अब लड़की की कंघी भी करती हूँ, उसके बाद हम स्कूल निकलते हैं। खुशी कुछ बोलना चाहती है, क्या बोल रही है? एक तरफ से अच्छा है इसका, वो गरम डर जाते हैं लोग गरम हो जाते। स्कूल से लेके उनको नाश्ता दे दिया और मैं अब यहाँ पे भाजी साफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना और ढेर सारा प्यार देना। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे अपने अपने घरों में। मिलते हैं अगली वीडियो में।